दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 25। ऐसे कर हम लोग दिन में दो सेट देख ले रहे हैं, दो विषय कालम से कम। तो ऐसे हम लोग करके बहुत जल्दी बिहार पुलिस का टारगेट कर अच्छे से मिशन 2018 बिहार पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा इस थ्रू इस मैड क्या है स्टडी मोड के थ्रू हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दे सकते हैं। आप लोग भी इसमें सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए कि उन लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे जो इसका ज़रूरतमंद है। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे बोला जाता है। तो आपको सार्वजनिक और निजी दोनों का सह अस्तित्व चाहिए, दोनों का मिली जुली चाहिए, उसी हम लोग क्या कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल किए जाते हैं, तो कृषि शामिल किए जाते हैं, वन शामिल किया जाता है और उत्खनन शामिल किए जाते हैं। ये सभी जो है प्राथमिक है। अब जो उत्खनन होगा उससे जो मटेरियल बनेगा, बनकर जो तैयार होगा उसे हम लोग क्या बनेगा, उसे द्वितीय में, और उसी को ही हम अगर बेचते हैं जिसके लिए सर्विस उपलब्ध कराते हैं वही तृतीय में हो जाता है। ऐसे कर हम लोग इजी देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी आते हैं, बिजली, गैस, लौह। क्योंकि बिजली देखिए, बिजली कहीं से भी क्या किया जाता है, बिजली कोयला से, यूरेनियम से, कहीं से जनरेट कर बिजली को आपके घर तक पहुँचाया जाता है बिजली, ठीक। और बिजली को जो पहुँचाते हैं, जैसे बिजली के जैसे बिल जो लेने आते हैं वो क्या है, वो एक सर्विस है। वो कौन से अंतर्गत आता है, वो तृतीय के अंतर्गत आता है। तो बिजली, गैस, लौह, इस्पात, ये सब क्या है, द्वितीय आते हैं। लौह इस्पात के लौह का उत्खनन करते हैं, ये कुछ में आता है, प्रथम में आता है, और उसी से हम इस्पात बनाते हैं। और इस्पात को जो बेचता है उसे हम लोग क्या आ जाएगा, वो तृतीय में आ जाएगा। लौह इस्पात क्या आएगा, वो द्वितीय में। बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाहता हूँ। अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध किससे है, ये भी आसानी से लगा लेते हैं, परिवहन, व्यापार, डाक सेवा। क्योंकि परिवहन में क्या चाहिए, बस परिवहन में ये तो नहीं है ना कि बस बनाना है, नहीं, बस बना हुआ है उसको चलाना है आपको, वहाँ पर बैठाना है, उठाना है, कंडक्टर का काम होगा, ड्राइवर का काम होगा, वो सर्विस दे रहे हैं। व्यापार में भी सर्विस लोग दे रहे हैं, डाक सेवा में भी चिट्ठी पहुँचाना, ये करना, वो करना, स्पीड पोस्ट करना, ये भी क्या है, सर्विस एक टाइप का है। तो ये भी ये सभी हो जाएंगे। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बीबीआई लगा लीजिएगा। सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं, तृतीय में, मैंने बोला ना सर्विस या सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को कहते हैं। भारत का सेवा क्षेत्र बहुत ही मजबूत है, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग माने द्वितीय क्षेत्र बहुत ज्यादा मजबूत है। जब चाइना का, कोई भी देश का जब द्वितीय क्षेत्र, मतलब कि जीडीपी में सबसे ज्यादा किसका योगदान है, तृतीय क्षेत्र का योगदान है, फिर द्वितीय, फिर प्रथम क्षेत्र का हम लोगों का जीडीपी में, लेकिन चाइना में क्या है, द्वितीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। तो वहीं अर्थव्यवस्था जो अर्थशास्त्री होते हैं वहीं बोलते हैं कि जब कोई भी देश का विकास निरंतर कब होता है, कब विकास करता है, जब द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र से ज्यादा विकास में योगदान दे। लेकिन यहाँ पर क्या है, तृतीय क्षेत्र ही ज्यादा योगदान दे रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है, टेक्निकल लोग जो लोग हैं उनको टेक्निकल डिग्री बहुत कम है, ऐसे आप आसानी से जान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहते हैं। चाइना का क्या है, द्वितीय क्षेत्र, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत मजबूत है। भारत में सबसे पहले किसानों का राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम लोग वृद्ध पुरुष भी कहते हैं। तो कौन लगाए थे, ये दादा भाई नौरोजी लगाए थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, छठा का आंसर। सातवां में हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना कार्य कौन करता है, कौन ये करता है, आखिर राष्ट्रीय आय की गणना के कारण कौन करता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, जी नहीं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर आप इजिली बी लगा सकते हैं, ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ हम लोग देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था, 1935 में किया गया था, 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में हुआ। मुख्यालय इसका कहाँ है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं मैं ही बता देता हूँ, मुख्यालय इसका कहाँ है, नहीं आप ही बताइए, सॉरी माफ कीजिए, आप ही बताइए मुख्यालय क्या है। अब यहाँ पर दिया है योजना आयोग, योजना आयोग को हटा दिया गया। देखिए यूपीएससी कब हटाएगा, 2015 या 2017 का ही क्वेश्चन है, यूपीएससी का नहीं, 16 का ही क्वेश्चन है कि योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा आयोग आएगा। तो नरेंद्र मोदी आते ही बोले थे कि योजना आयोग को हटाकर हम लोग क्या कहें, नीति आयोग ला दिए हैं, नीति आयोग लाया गया है। नीति आयोग क्या है, योजना आयोग टॉप से बॉटम काम करता था। टॉप से बॉटम माने कि ऊपर के जो है लोग वो नीचे अपना कोई भी जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना था करते थे। लेकिन यहाँ पर नीति आयोग में क्या है कि बॉटम से टॉप है, आप कुछ बना कर लाइए कि क्या आप नीति अपनाने वाले हैं अपने राज्य में, अपने पंचायत में, वो उस पर सरकार उस पर पैसा देगा, उस पर मुहर लगाएगी। तो ये टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप, दोनों में मात्र यही डिफरेंस था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना का भारत आधार वर्ष क्या है। तो राष्ट्रीय आय का गणना का आधार वर्ष क्या है, तो 1999 से 2000 आधार वर्ष। अभी चेंज हुआ है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो राष्ट्रीय आय का गणना का आधार वर्ष चेंज हुआ है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था फ्रांस को छोड़कर कौन सी अर्थव्यवस्था बन गई है, पता है आपको, फ्रांस को छोड़ दी है। तो इंडिया के आगे कौन कौन अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा है, पहला में अमेरिका है, दूसरा में चीन है, तीसरा में क्या है जर्मनी, चौथा
तीसरा में नहीं जर्मनी, तीसरा में जर्मनी है, चौथा में जापान है, पांचवा में इंग्लैंड है, इंग्लैंड है, छठा में कहूँगा इंडिया हो गया, फिर उसके बाद क्या था फ्रांस था, फ्रांस को छोड़ दिया गया, और इसी साल इंग्लैंड को भी छोड़ देगा जो कि हम लोग गुलामी के जंजीर में जोड़े थे। देखिए राष्ट्रीय आय और ये क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय में जो प्रति व्यक्ति आय है दोनों में बहुत काफ़ी डिफरेंस होता है। राष्ट्रीय आय में तो हम लोग बहुत आगे निकल सकते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में हम लोग अभी भी बहुत काफ़ी पीछे हैं, जो कि अल्प विकसित या मतलब विकासशील देश में हम लोग आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में राष्ट्रीय आय के वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। तो पीसी महानोबोलिस को किसे दिया जाता है, राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक गणना का दिया जाता है। पीसी महानोबोलिस और जवाहरलाल नेहरू दोनों मिलकर एक पंचवर्षीय योजना का नाम बताइए, आप बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से पंचवर्षीय योजना में बनाए थे पीसी महानोबोलिस मिलकर और जवाहरलाल नेहरू, ये याद है आपको कौन से पंचवर्षीय योजना था, तो मुझे बताइए। देखिए प्रोफेसर थे ये पीसी महानोबोलिस, कौन थे मैं आप खुद को बता देता हूँ, आप कहाँ सर्च कीजिएगा। ये जो द्वितीय अर्थ आया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से था, तो 1956 से 61 था। प्रथम कब था, तो 1951 से 56 था। तृतीय कब था, तो 1961 से 66 था। उसके बाद कंटिन्यूटी टूट गया था, ठीक, उसके बाद क्या होता, कंटिन्यूटी टूट गया था, कंटिन्यूटी नहीं रहा था, कभी 2 साल, कभी 3 साल, कभी 5 साल, कभी 4 साल का था, वो हम इकोनॉमिक्स के डिटेल वीडियो में जरूर जिक्र करेंगे। इसमें क्या था, प्रथम जो द्वितीय है इसका मॉडल क्या था, महानोबोलिस पर आधारित था, प्रोफेसर महानोबोलिस पर, जवाहरलाल नेहरू तो उसमें साथ में प्रधानमंत्री थे ही, और इसका लक्ष्य क्या था, तीव्र औद्योगिकरण था। अब प्रथम किस पर था, तो प्रथम का था पुनर्वास था, कृषि था, ये सब इस पर प्रथम था, मुद्रास्फीति को कम करना, ये सब क्या था, कम प्रथम का था, तो ये था, तो ये अब इजीली लगा सकते हैं 9। अगला क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है कि इंडिया विजन 2020 क्या है, ऐसे दे देता है, क्वेश्चन यूपीएससी में बन चुका है, दरोगा में ये क्वेश्चन बन चुका है, 2020 विजन क्या है भैया, तो 2020 विजन क्या है, 2020 योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र था एक। अब योजना आयोग जैसे 12वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हो गया, 2012 से लेकर 17 तक। देखिए क्वेश्चन क्या आया था इस बार असिस्टेंट कमांडेंट में, एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट का क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम लेता है, मैं आपको एक क्वेश्चन का जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि पेपर देखा था, तो मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको कि उसमें आया था कि जो हरित जो है ना ट्रिब्यूनल, यहां पर जो हरित ट्रिब्यूनल है जो दिल्ली में है, वो कौन से पंचवर्षीय योजना में गठित किया गया था, तो वो कौन से पंचवर्षीय योजना, तो जिसको पता है कि वो 2010 में गठित किया गया था, भाई 2010 में कौन से पंचवर्षीय योजना था, तो भाई 2012 तक तो 11वीं पंचवर्षीय योजना था, आप आराम से 11वीं मार देते, और ज़्यादातर लोग क्या मारे, 12वीं मारे हैं, और ज़्यादातर लोग गलत कर कर आए हैं मेरे ही क्लास में, जिसको क्लास कराते हैं। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वाले लोगों को गरीबी रेखा से नीचे रखा जाता है, तो ये कितने लोगों को रखा जाता है, आपको पता है कितने लोगों को रखा जाता है, तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, तो इसका आंसर 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में, योजना आयोग के शहरी क्षेत्र में तो 2100 कैलोरी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का आकलन हेतु किस सूचकांक का आधार माना गया है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी का आकलन किया जाता है उसमें कृषि श्रमिकों को उपभोक्ता मूल सूचकांक को आधार माना गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 13 का। 14 का आंसर क्या होगा, तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है, भारत में बेरोजगार लोग क्यों, उसका मुख्य स्वरूप क्या है, कैसा बेरोजगारी है, तो रचनात्मक है, क्या है, यहाँ पर शिक्षित लोग भी बहुत से लोग बेरोजगार हैं, किसने, वो टेक्निकल डिग्री नहीं है, शिक्षित तो हो गया लेकिन टेक्निकल डिग्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 मतलब है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी पाया जाता है, स्वरूप क्या पाया जाता है, यहाँ पर ऊपर देखें मुख्य स्वरूप क्या है और स्वरूप बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है, दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, तो इसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी पाया जाता है। अंत्योदय कार्यक्रम का मतलब उद्देश्य क्या था, तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, गरीबों से गरीब अधिक गरीब लोगों को सहायता प्राप्त करना था, तो 16 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू किया गया था, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जिसे बाद में मनरेगा बनाया गया, नरेगा से मनरेगा बना दिया गया, महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण योजना बना दिया गया था, तो इसका शुरुआत कब किया गया था, तो 2 जनवरी 2006 को। अब मुझे बताइए कि मनरेगा कब इसे बना दिया गया था, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का कब आरंभ हुआ था, तो विकास कार्यक्रम से क्वेश्चन आ सकते हैं, बिहार पुलिस में आते हैं बार बार, तो 2 अक्टूबर 1952 को शुरुआत हुआ था। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रारंभ की गई थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, ये पता होना चाहिए, मैंने पहले क्वेश्चन इससे बताया आपको, तो 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना, फिर उसके बाद 56 से 61 तक द्वितीय। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था, कृषि पर था। द्वितीय का किस पर, उद्योग पर था।
राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद या योजना आयोग या अब योजना आयोग नीति आयोग, इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी का आंसर ए हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के लिए मॉडल पर आधारित था, तो ये पीसी महानोबोलिस विकास के आधारित था, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पिछला बार देख लिए हैं। और प्रथम तो डी आर गॉडिकल के। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया था? तो उद्योग पर दिया था। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, 24 का उद्योग क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाँ 24 का आंसर उद्योग ही हो जाएगा, माफ कीजिएगा मैं यहाँ पर। गरीबी हटाओ लोग गरीबों को ही हटाने लगे थे, ये कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना था। अब इंडिकेट कर आप लगा भी सकते हैं, तो उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? तो इंदिरा गांधी थी, बोली थी कि गरीबी हटाओ लोगों को, गरीबों के झोपड़पट्टी से, झोपड़पट्टी दिल्ली से अच्छा अच्छा लोग वहां पर खाली कराकर और वहां पर महल बनवाने की योजना चल रही थी उनके बेटे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 एक निम्नलिखित में किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो द्वितीय भाई उद्योग पर था ही, तो किसकी स्थापना हुई थी? तो हुई थी ये सभी भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, जैसे रूस, जर्मनी, ये सब के फ्रांस के सहायता से इसे किया गया था। इसका आंसर यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आप चेंजिंग चाहते हैं टाइमिंग का, चेंजिंग की वीडियो और लंबा करें और क्वेश्चन 50 क्वेश्चन डालें? देखिए 50 क्वेश्चन डालेंगे तो क्या आप देखेंगे या बोरिंग समझकर उसे छोड़ देंगे? हम लोग 25-25 क्वेश्चन दो वीडियो ला रहे हैं, दिन भर में दो भी वीडियो देखेंगे तो 50 क्वेश्चन लगभग 150 क्वेश्चन उसका एक्सप्लेन लेकर हम चल रहे हैं, तो 150 क्वेश्चन दिन भर में देख रहे हैं, तो मतलब 5000 क्वेश्चन आप क्या लगभग एक महीना में देख लीजिएगा। संडे को हम कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन डालेंगे और ज़्यादा ही वीडियो डालेंगे, संडे को छुट्टी रहता है। तो ऐसे आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट पर काम चल रहा है, टेस्ट सीरीज पर काम चल रहा है, टेस्ट सीरीज जरूर आप खरीदिएगा दोस्तों। ये आपसे मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ एक रिक्वेस्ट के थ्रू, क्योंकि उस पर बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन सेट किया जा रहा है, कि जो कि आपके अगर आपका खुद ही मान लीजिए अगर बिहार पुलिस निकल जा रहा है तो क्या आप उतना पैसा 50 रुपये आपके लाइफ में मायने रखता है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ क्या होता है, कि आप अभी से ही दौड़ना भी शुरू कर दीजिएगा, कम ही दौड़िए लेकिन दौड़ना शुरू कीजिएगा, क्योंकि रिटेन में तो ज़्यादा लोग छटते ही हैं, 6 गुना ज़्यादा रिजल्ट देता है, लेकिन वो जाकर 6 गुना में से भी जब बहुत ज़्यादा लोग छट जाते हैं दौड़ में, मैं देखा हूँ, देखता भी हूँ। तो कैसा लगा वीडियो जरूर ये बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।